मिलिटेंसी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है ना, नाम ही नहीं है। बीजेपी आई है तो तब से कहाँ है टेररिज्म, दिख नहीं रहा। हम खुद डरते थे, आज हम सीना तान के क्या सकते कि जम्मू कश्मीर कुछ है। और आज आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद की शांति है। आतंकवाद में बहुत ज़्यादा कमी आई है, पहले बहुत पत्थरबाज होते थे, आजकल कहाँ गए, बिल्कुल गायब हो गए हैं। जैसे मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद तो टूरिज्म मतलब कि टेररिस्ट बिल्कुल कम ही हो गया, किस्म से ना के बराबर ही हो गया समझो, है ही नहीं है कोई दिख, गिना चुना कोई छुटपुट घटना होगी, अदरवाइज तो होती नहीं है। नहीं तो पहले कितनी मुश्किल थी, कश्मीर में टूरिस्ट जाता नहीं था डरते मारे, अब कश्मीर से डर खत्म हो गया, लोगों का डर खत्म हो गया, लोग जा रहे हैं बड़े कश्मीर से, डर खत्म है भाई। टूरिस्ट टेररिज्म स्टार्ट ही वहाँ पर था ना, वहाँ पर अब डर खत्म है, वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा है, फुटफॉल इतना है कोई हिसाब नहीं, पीछे कितना रास्ता गर्मियों के अंदर, बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया है। आतंकवाद को कहाँ पर देखते हैं आप 2014 के बाद? हाँ देखो, ये कहने की बातें हैं, ये क्या होता है कि हम लोग जब पीछे देखते हैं या अभी देखते हैं, हम कभी भी जाते थे कश्मीर में अकेले घूमते नहीं थे, मिलिटेंसी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है ना, नाम ही नहीं है। और साथ में कश्मीर में पहले जो बच्चे बाहर स्टडी करते हैं, जहाँ कितना पत्थरबाजी होती थी, कितना क्राइम था कश्मीर में, आज कश्मीर एक सोने की चिड़िया बन चुका है, वो मोदी की बदौलत है। मिलिटेंट्स डेड्स मिलता ही नहीं है कश्मीर में, नाम ही नहीं है। जो पाकिस्तान से घुसता है वो तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मोदी सरकार में फोर्स इतनी पावरफुल है, तो कश्मीर तो एक हमारा चिड़िया बन गया हुआ है, क्योंकि ये मोदी की सरकार है। तो अभी आप लोग और वोटिंग करोगे, जिताओगे अच्छे लेवल पे, तो उसके बाद देखो क्या क्या होगा, कितनी डेवलपमेंट होगी। खबरों में क्या सुनते हैं जम्मू के बारे में? पहले सुनते थे मैम, अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या सुनते थे वही तो सुनते। लोग बताते थे कि थोड़ा वहाँ पे डिफिकल्ट है, माहौल है, कहीं पे लूट छीन लेते हैं, तमाम चीजें थी, पैसे छीन लेते हैं। हाँ लोग ये बताते थे। आपके पैसे छीने? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, और मैं बहुत घुमा मैंने। तो ये आपने कहा कि आपने बहुत कुछ सुना था, जो बहुत कुछ सुना वो बहुत कुछ देखा? नहीं कुछ नहीं, पहले वाला आप कुछ नहीं, अब सब नया है, अब सब एकदम बदल चुका है। आतंकवाद की शांति है, और हालात जो है जो कश्मीर के पहले हालात थे आज उसमें सामान्य रूप से चल रहा है, क्योंकि पहले जो था वहाँ पर कश्मीरियों को भगाया गया वहाँ से, आज जो है अगर ऐसी पोजीशन रहती वैसे तो जहाँ हमें जम्मू से भी हिंदुओं को भागना पड़ता। बाकी आज जो हालात जो हैं ठीक हैं, बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, बिजनेस तो चलो जो आना जाना चलता रहता है। बाकी मोदी है तो सब मुमकिन है, जब मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है। आतंकवाद में कमी देखते हैं? हाँ आतंकवाद में बहुत ज़्यादा कमी आई है, पहले बहुत पत्थरबाज होते थे, आजकल कहाँ गए, बिल्कुल गायब हो गए हैं ना कोई, और आतंकवाद जो है अभी ख़त्म ही हो गया बिल्कुल समझ रहे किस्म का। आतंकवाद में कमी देखते हैं आप, क्योंकि आप भी बाहर से बहुत बार आते हैं, तो आपने भी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या है, क्या चल रहा है, तो अभी कैसा देखते हैं आप? अभी तो बहुत ही अच्छा देखते हैं, अभी मैं यहाँ 4-5 दिन से हूँ, तो काफ़ी मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ हर एक चीज़ देख रहा हूँ। और आतंकवाद की बात करूँ तो यहाँ का मैं लोकल नहीं हूँ, बट फिलहाल तो देखने में ऐसा कुछ लग नहीं रहा आतंकवाद वगैरह, घूमने उमने में बहुत फैसिलिटी अभी हर एक चीज़ है। कोई इशू तो आपको बता दें कि तमाम टूरिस्ट भी थे, तमाम लोकल लोग भी थे आज जिनसे हमने बात की, और अभी मैं जम्मू की इस मेन मार्केट में हूँ जहाँ पर तमाम टूरिस्टों का फुटफॉल रहता है, जितने भी बाहर से आने जाने वाले श्रद्धालु इस बाज़ार में ज़रूर आते हैं। तो तमाम आपने उनके व्यूज़ सुने, आने वाला कल किसका है जम्मू कश्मीर में, आने वाले कल में कौन कितना बदलाव कर सकता है, ये तमाम सवाल हमने लोगों से पूछने की कोशिश की। आपने तमाम लोकल लोगों की, शॉपकीपर्स की बातें सुनी, तमाम टूरिस्टों की बातें सुनी, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।